जय हिंद दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं आर्मी की एक परमानेंट भर्ती, इसकी फॉर्म कब आएंगे, इसमें आपकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी है, इसमें आपकी एज क्या रहने वाली है, आपका इसमें सिलेबस क्या है, आपकी इसमें रनिंग क्या होगी। दोस्तों मैं आपको ये वीडियो पूरा स्टेप टू स्टेप बताऊँगा। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूँ आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट नई भर्ती 2025 में कब आने वाली है। आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की नई भर्ती 2025 में कब आने वाली है, इसकी भर्ती आपको आवेदन तो जब आपको ऑनलाइन कब से कराना होगा। दोस्तों इसकी ऑनलाइन जनवरी और फरवरी के बीच में 2025 में कन्फर्म टू कन्फर्म इसके ऑनलाइन आवेदन चालू हो जाएंगे। मैं वही इसकी एग्ज़ाम की बात करूँ दोस्तों, इसकी एग्ज़ाम आपके अप्रैल और मई 2025 के बीच में होना तय है आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती। दोस्तों और इसमें आपकी एज बता दी, एज दोस्तों कितना है आपका एज, आपकी आपकी एज इसमें 17.5 से 21 23 साल मांगे, सॉरी दोस्तों 17.5 से 23 साल ये आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती। इसमें एजुकेशन आपका क्या होगा, एजुकेशन आपको 12th पास होना चाहिए, 12th में आपका 50% होना चाहिए। वो और किन किन विषय से आपको 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, बायोलॉजी अनिवार्य है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपको 12वीं पास होना चाहिए और उसमें आपको 50% होना चाहिए। और आपकी ऊंचाई कितनी रहती है, मतलब आपकी हाइट सभी राज्यों की हाइट अलग अलग होती है। वही इसकी छाती की बात करो, आपको जो सीना होता है वो 77 सेमी होता है, आपको 5 सेंटीमीटर आपको अपना चेस्ट फुलाना होता है। वजन की बात करो दोस्तों तो 48 से 50 किलो के बीच में आप रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसकी सिलेबस की बात करो दोस्तों, इसका सिलेबस है आपको जीके में 10 क्वेश्चन आएगा, जीके जीएस में स्टैटिक जीके करंट अफेयर ये सब आपको 10 क्वेश्चन आएगा। वही मैथ से आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, आपके फिजिक्स के 15 क्वेश्चन, फिजिक्स के आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स के इसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं, बायोलॉजी से आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेगा जिसे हम जीव विज्ञान कहते हैं, वही केमिस्ट्री से आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेगा जिसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। और ये आर्मी नर्सिंग की परमानेंट भर्ती है, ये 4 साल की भर्ती नहीं, ये परमानेंट भर्ती आर्मी नर्सिंग की, जो ट्वेल्थ पास होते हैं, जो भाई बायोलॉजी से पढ़े रहेंगे वही फॉर्म का भरेंगे। और इसकी आर्मी नर्सिंग की दौड़ की बात करें दोस्तों, आपका 1600 मीटर इसका दौड़ होगा, आपको 5 मिनट 45 सेकेंड टाइम देगा, जिससे ग्रुप वन के लिए 5 मिनट 30 सेकेंड टाइम दिया जाएगा, ग्रुप टू के लिए 5 मिनट 45 सेकेंड टाइम दिया जाएगा। आप सबको पता ही चल गया होगा कि आर्मी नर्सिंग के लिए इसकी एज क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, इसकी दौड़ क्या है, वजन क्या है। दोस्तों मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ, आपकी एजुकेशन मार्क्स आपको 12 पास होना चाहिए, आपके 12 में 50% होना चाहिए, जिसमें आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए। और इसकी एज की बात करूँ दोस्तों तो आपकी एज 17.5 से 23 साल होनी चाहिए। और इसकी ऊंचाई सभी राज्यों की अलग अलग हाइट लगती है, जो पहाड़ी क्षेत्र रहते हैं सबकी अलग अलग रहती है। इसकी छाती की बात करें तो 77 सेंटीमीटर छाती होनी चाहिए, इसको आपको 5 सेंटीमीटर आपको चेस्ट फुलाना होता है। वजन की बात करें दोस्तों 48 से 50 किलो आप रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें आपका सिलेबस जीके से 10 क्वेश्चन आएगा, मैथ से आपका 5 क्वेश्चन आएगा, फिजिक्स के 5 से आएगा, बायोलॉजी से 15 आएगा, केमिस्ट्री से 15 क्वेश्चन आएगा। वही इसकी आवेदन कब होगी, जनवरी 2025 में इसके आवेदन आना, भर्ती तो कन्फर्म आएगी, 100% भर्ती आएगी इसकी जनवरी 2025 से ऑनलाइन चालू हो जाएंगे, जिसके एग्जाम लास्ट जहाँ तक उम्मीद है कि लास्ट अप्रैल तक इसके एग्जाम आर्मी नर्सिंग के होते हैं, कन्फर्म टू कन्फर्म होते हैं। आर्मी नर्सिंग की परमानेंट भर्ती है, इसकी दौड़ 1600 मीटर होती है, 5 मिनट 45 सेकंड की। सबसे खुशी की बात यह है दोस्तों, ये आर्मी की परमानेंट भर्ती है, ये 4 साल की भर्ती नहीं कि आप 4 साल ड्यूटी करेंगे फिर बाहर हो जाएंगे, नहीं दोस्तों ये आर्मी की परमानेंट भर्ती है। इसमें आपको 12 पास होना चाहिए, वो आपको बायोलॉजी से, क्योंकि आपको 12 पास होना चाहिए आपको बायोलॉजी से। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद दोस्तों।